गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू 9th चैप्टर। ओपनिंग पेज नंबर 106, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। लुक एट द फिगर्स गिवन बिलो केयरफुली। क्या बोल रहे हैं कि दिए गए फिगर्स को ध्यान से देखिए। फर्स्ट में है 3 बॉक्स, ठीक है, जिसमें से 1 शेडेड है 1/3, ओके। सेकेंड पे है 6 बॉक्सेस, ठीक है, जिसमें से 2 क्या शेड किए हुए हैं 2/6। थर्ड पे है 9 बॉक्सेस, जिसमें से 3 शेड किए हुए हैं 3/9। लास्ट पे है 12 बॉक्सेस, जिसमें से 4 शेडेड किए हुए हैं 4/12। ऑब्जर्व दैट दी शेडेड पोर्शन ऑफ दीज फिगर्स आर इक्वल, दैट इज द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय दी शेडेड पोर्शन आर इक्वल। क्या बोल रहा है कि जो शेडेड पोर्शन है वो क्या शो कर रहा है कि जो उसके फिगर्स है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। डेटा डेट इज द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय दी शेडेड पोर्शन आर इक्वल, क्लियर। 1/3 इक्वल 2/6 इक्वल 3/9 इक्वल 4/12। अब ये आया कैसे है, 1/3 पे क्या किया है 2 × 2 किया है, ठीक है। अब 2 का 1 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, या सॉरी यहाँ 3 है, ठीक है, 1/3 है। 1/3 में 2/2 का इंटू किया 2/6 आया, ठीक है। अब 1/3 पे आप क्या करोगे, 3/3 का इंटू करोगे, 3 × 3 = 9, या आपका 3/9 आ गया। 1/3 पे आप 4 का इंटू करोगे, 4/4 का 4/12 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप क्या इसको अनलिमिटेड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हो 1/3 के। दस फ्रैक्शन डेट रिप्रेजेंट द सेम फ्रैक्शन एंड आर ऑल इक्वल आर कॉल्ड मल्टीप्लाई सॉरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोल रहे हैं कि जो फ्रैक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रैक्शन सेम है और इक्वल है, वो क्या है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। टू गेट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू गिवन फ्रैक्शन, दिए गए फ्रैक्शन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। दिए गए फ्रैक्शन से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स, किससे, सेम नॉन जीरो नंबर से, क्लियर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम दिए गए फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे नॉन जीरो नंबर से। फॉर एग्जांपल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 आर, अब 3/5 के कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, अनलिमिटेड होंगे, ठीक है। 3/5 इंटू 2/2 का इंटू किया 6/10 आ गया। फर्स्ट इक्विवेलेंट आपका ये हो गया, सेकेंड इक्विवेलेंट आपका 9/15 हो गया, थर्ड आपका 12/20 हो गया, फिफ्थ आपका 15/25। इसके बाद आप 3/5 में इंटू 6/6 का करोगे 18/30 आ जाएगा, ये इसका फिफ्थ इक्विवेलेंट हो जाएगा, ओके, क्लियर। कम टू पेज नंबर 107। रिमेंबर इनफिनाइट अनलिमिटेड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी फॉर्म फॉर गिवन फ्रैक्शन, दिए गए फ्रैक्शन से हम अनलिमिटेड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। एग्जाम्पल आपका, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 56/40 विथ डिनोमिनेटर 5। क्या बोले, 56/40 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 5 हो, ओके। तो आप क्या करोगे, 56/40 डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो हमें न्यूमरेटर फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, 40 को 5 से डिवाइड करोगे, 45 के टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में आता है, ठीक है। तो आप 56/40 में 8/8 का इंटू कर दोगे, ठीक है, इंटू किया, पहले तो अगर जो कट रहा है तो कट दो, 8 × 8, ठीक है, 8 × 5 = 40 होता है, ठीक है। तो ये कट गया, 8 × 8 =
8 7 56, ये कट गया तो कितना आ गया 7/5 आपका इक्विवेलेंट आ गया. ओके नाउ सी हियर वेरिफिकेशन ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शन टू चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट. क्या बोल रहा है कि दिए गए फ्रैक्शन से वो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं उसको चेक करने के लिए मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट बाय डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड एंड डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट बाय न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड. दिए गए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं उसको चेक करने के लिए क्या करोगे आप, जो हमारा फर्स्ट न्यूमरेटर है उसका मल्टीप्लाई सेकेंड डिनोमिनेटर से करोगे और जो सेकेंड फर्स्ट डिनोमिनेटर है उसका सेकेंड न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे. ओके सी अब इफ एन वन बाय डी वन एंड एन टू बाय डी टू आर टू फ्रैक्शन. ठीक है, यहाँ टू फ्रैक्शन है तो आप इसका इंटू इससे करोगे और इसका इंटू इससे करोगे. ठीक है, अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है. ओके सी एग्जाम्पल आर द फॉलोइंग फ्रैक्शन इक्विवेलेंट. ठीक है, क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/4 एंड 21/28. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ठीक है 3 × 28 किया 84 आया, 4 × 21 किया 84 आया, दोनों सेम आए, इट मीन्स आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. 3/4 एंड 21/28 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. टर्न यू पेज नंबर 108. एग्जाम्पल सेकेंड है 7/9 21/18. इनका भी क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करने पे 7 × 18 किया 126 आया, 9 × 21 किया 189 आया. ठीक है, दोनों क्या है अलग अलग आए हैं, ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है. हेंस 1/7 एंड 21/18 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्लियर. एक बार आप क्या करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा. ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन.